तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी दोस्तों? आशा करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारे चैनल टेक अप में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लेके आ चुके हैं जेब्रोनिक का जेब G41D3 मदरबोर्ड। जी हाँ दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम आपको इसकी अनबॉक्सिंग दिखाएंगे, साथ में ही ये बताएंगे क्या क्या चीज़ें सपोर्ट करता है और क्या क्या इसकी चीज़ें हाईलाइट हैं, और बॉक्स पे भी आपको दिखेगी कितनी इसकी वारंटी रहती है, गारंटी रहती है, क्या क्या चीज़ें हैं, और ये आपको ऑफलाइन कितना पड़ेगा, ऑनलाइन कितना पड़ेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आज की वीडियो में आपको बताऊँगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम इसमें चिपसेट की बात करें तो इसमें G41 चिपसेट लगा होता है। साथ में ही अगर मैं इसकी रैम की बात करूं तो इसमें DDR3 रैम लगती है। हाँ, अगर आप दूसरे मॉडल का लेना चाहते हैं तो आपको DDR2 की भी मिल जाएगी इसी सेम मॉडल में। और साथ में ही अगर आप प्रोसेसर भी देखना चाहते हैं तो प्रोसेसर भी आपको i3 i5 सारे मॉडल के मिल जाएंगे। जितने भी प्रोसेसर होते हैं हमारे CPU, वो सारे इसमें लग जाएंगे। लेकिन अभी अगर मैं जो अगर इसकी बात करूं तो ये मैं Core 2 Duo के लिए लाया हूं। साथ में इसमें कौन कौन से लग जाएंगे मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। और अगर हम और बात करें तो इसमें 5.1 ऑडियो भी है, साथ में लैन भी है, और 4 साटा के आपको स्विच मिलेंगे। और यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ पर ब्रांडिंग हो रखी है जेब्रोनिक की। चलिए लेफ्ट एंड राइट साइड वगैरह सब जगह देखते हैं क्या क्या चीज़ें मेंशन हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर MRP दिख जाएगी 2999, मतलब 1 रुपया कम, ये 3000 रुपये का लगभग है। और ये आपको अगर आप ऑफलाइन परचेज करते हैं तब ये आपको पड़ेगा लगभग, अगर आप बार्गेनिंग अच्छे से कर सकते हैं तो ये आपको 2000 के आसपास पड़ सकता है, और मेरे को लगभग 2100 के आसपास ये पड़ा है। और इसमें आपको इसमें 1 साल की गारंटी मिलेगी, ये काफ़ी अच्छी बात है। 1 साल तक अगर आपका जो है मदरबोर्ड ख़राब होता है तो आपको सीधा रिप्लेस होकर न्यू मिल जाएगा, इसको रिपेयर नहीं किया जाता है। बाकी कई चांस में इसको रिपेयर करके देते हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो इसको रिपेयर नहीं करते हैं, सीधा नया दे देते हैं आपको। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इंटेल कोर 2 ड्यो यहाँ पर सपोर्ट करता है, और पेंटियम सीरीज भी यहाँ पर सपोर्ट करती है प्रोसेसर की। साथ में चिपसेट के बारे में यहाँ पर आपको देख रखा है, यहाँ पर आपको क्लियर क्लियर दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं। मेमोरी सपोर्ट यहाँ पर DDR3 देख सकते हैं, डुअल चैनल, इसमें 2 आपको स्लॉट मिल जाएंगे DDR3 को सपोर्ट करने के लिए, और बायोस वगैरह ये सारा कुछ दे रखा है। तो चलिए अभी हम इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमें मिलती है एक साटा केबल जो कि हमारी हार्ड डिस्क को कनेक्ट करेगी हमारे मदरबोर्ड से। चलिए इसको हम रखते हैं साइड में। और यहाँ पर ये बिल है, और बिल को मैं नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है, सारा कुछ चीज़ है, तो बिल मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ। ये बिल है, मैंने जब बिल करवाया था तो मैंने इसको उसमें ही रखवा दिया था। और ये कार्ड है जहाँ से मैंने इसको परचेस कराया है, देख सकते हैं आप। साथ में आपको यहाँ पर मदरबोर्ड के ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए ये आपको एक CD मिल जाएगी, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, आपको CD मिल जाती है ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए। चलिए अभी यहाँ पर बाकी चीज़ें देख लेते हैं। तो ये काफ़ी हमें ज्ञान की बातें दे रखी हैं, तो यहाँ पर आप इसमें इनको पढ़ सकते हैं तसल्ली से बैठ के। और अगर हम इसको ओपन करते ही देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा जो है मदरबोर्ड दिखने लगता है। तो ये हमें बैक साइड में जो हमारा CPU के पीछे लगती है, ये हमारी वो वाली प्लेट है जो कि मदरबोर्ड के जितने भी स्लॉट्स होते हैं उन सबको कवर कर देती है, तो मैं ये भी दिखा दूंगा आपको। और ये उठाते हैं हम अपना मदरबोर्ड, ये हमारे पास आ गया हमारा मदरबोर्ड। तो बॉक्स को अभी हम रख देते हैं बंद करके, इसके ऊपर रख देते हैं। चलिए अभी हम इसकी सील को ओपन करते हैं। तो इस तरीके से सील होता है, इसको हमने ओपन करा और अभी हम इसको खोल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा चमचमाता मदरबोर्ड आपके सामने है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी जितने भी सारे फीचर हैं, इस सारे फीचर आपको मिलते हैं इसमें। यहाँ पर हमारा लगेगा प्रोसेसर, मतलब CPU, यहाँ पर लगेगी हमारी 2 RAM, ये हमारे साटा केबल के ऑप्शन है, फ़ैन वगैरह के ऑप्शन है। और यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं, ये हमारे बैक साइड के पूरे पैनल्स हैं, और पैनल्स पर ही हमारा ये जो प्लेट है ये इस तरीके से लग जाती है। मैं आपको ऐसे लगा के दिखा रहा हूँ अभी, लेकिन CPU में लगा के काफ़ी अच्छी लगती है ये, और पूरा कवर कर देती है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, और देख सकते हैं काफ़ी चमचमा रहा है हमारा मदरबोर्ड नया। और यहाँ पर सारे आपको फीचर मिल जाते हैं, बैक साइड से अगर मैं दिखाऊं तो ये भी देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। बाकी मैं इसकी वीडियो आपको बना के दिखाऊंगा, रिव्यू दिखाऊंगा कि किस तरीके का ये है और किस तरीके के इसमें फीचर्स आपको मतलब अच्छे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या फिर किस तरीके की इसकी स्पीड रहेगी, क्या रहेगी। आपको एक और चीज़ बता दूँ, इसके मदरबोर्ड के साथ ना तो प्रोसेसर मिलता है, ना ही फ़ैन मिलता है, ना ही इसके साथ रैम मिलती है, कुछ भी नहीं मिलता है। जो भी है आपके सामने
सामने है ये, यही चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ मदरबोर्ड के साथ मिलती है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो, अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। साथ में ही अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके रिव्यू बनाऊं कि ये बेटर है या नहीं है इतने रुपए में, तो आप उसके लिए मेरे को कमेंट करिए। साथ में ही मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट दोनों से परचेस कर सकते हैं इसको। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।